हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी खास है उनके लिए जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जूनियर परचेज असिस्टेंट या जूनियर स्टोर कीपर का फॉर्म फिल किए हैं। उसके साथ साथ में लेवल टू का पेपर में इम्पॉर्टेंट ऐसे जो पूछे जाने वाला है उसके यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नाम बताएंगे, जिसके द्वारा आप अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कौन कौन सी किस तरीके से टॉपिक्स आएंगे उस पर आपका पहले से माइंड सेट हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, अभी जो पिछले साल का पेपर हुआ था 28 फरवरी 2021 को पेपर हुआ था, उसमें दो टॉपिक आए थे, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल डेवलपमेंट, ओके। सेकंड क्वेश्चन था डिग्निटी ऑफ द लेबर। ठीक, इन दो क्वेश्चनों से अगर हम एनालिसिस करें तो कई तरीके के सेक्टर्स होते हैं ऐसे राइटिंग में, तो टोटल यहाँ पर आपको हमने लगभग 20 कैटेगरियाँ बताई है। उसमें से जो मेजॉरिटी पूछी गई है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही पूछा गया है, क्वेश्चन ज़्यादा उससे जुड़े एसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे लगभग 20 टॉपिक होते हैं वह कंप्लीट अगर माने आईएसपीसी से लेबर के एसी को, तो लेकिन उसमें जो सबसे पहला बेसिक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेशनल लेवल पर होता है उसी के बारे में से पूछा गया है। अब कौन कौन से टॉपिक है उसको हम आगे बताते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पीयूसीएल पेपर चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको ढेर सारे कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आपको आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए पहला है जैसे रोल ऑफ मीडिया एंड गुड गवर्नेंस, प्रिपेयरनेस ऑफ अ सोसाइटी फॉर इंडियन ग्लोबल रोल। ठीक, इंडियाज रोल इन प्रमोटिंग एशियन कोऑपरेशन, नीड ऑफ आवर इज मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इंडिया एग्रीकल्चर एंड फार्मर बोथ आर विक्टिम फॉर नैरो पॉलिटिकल विजन, ओके। फार्मिंग आर द लॉस्ट एबिलिटी टू बी सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फार्म इन इंडिया, ओके। नेशनल सिक्योरिटी रिसिवल लिंक टू द गुड इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी फॉर सस्टेबल नेशनल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ओके। हर तरीके का डेवलपमेंट इस यहाँ पे हमने आपको एनालिसिस लाए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा समझ सकें कि कैसे इकोनॉमिकल पे पेपर आ सकते हैं। ठीक, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेड बाय द सोसाइटी इन विच दे ऑपरेट, कल्चर चेंज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू प्लान द स्मार्ट डेवलपमेंट गवर्नमेंट एंड बिजनेस मस्ट रिकॉग्नाइज नेचर्स रोल इन सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैन डेवलपमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्ट टुगेदर, इंटर रिलेशन बिटवीन द जेंडर इक्विटी एंड सस्टेबल डेवलपमेंट, पीस एनवायरमेंट डेवलपमेंट आर दीज इन रिलेटेड, रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट, इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग आर हैंडलिंग डेवलपमेंट, द रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेवलपमेंट। इस तरीके के ढेर सारे आपको यहाँ पे आपको दे दिए। इसका पीडीएफ लेना हो तो हमारे जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर पर अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन इसे आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से इस कोर्स को आप एक्सेस करिए, यहाँ पे ढेर सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे। अब चलिए आपको पहले लेवल पे था जो बेसिक आने की संभावना थी इसे कि वो बता दिए, अब सेकंड लेवल पे बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हर साल एक क्या होता है ऐसे कंपटीशन कराते हैं, उसमें कई तरीके के ऐसे पूछे जाते हैं। तो हमने पिछले 5 सालों को ऐसे का एनालिसिस किया जिसमें लगभग 40 ऐसे निकल के आए हैं, उसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप एडवांस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए वो कौन कौन से ऐसे हैं उसका लिस्ट बताते हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके। पहले एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, इंडिया एज ए न्यूक्लियर पावर, सस्टेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, टेक्नोलॉजी फॉर द सेल्फ रिलायंस, वही चीज़ है आप ये समझिए ठीक, टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ रिलायंस, लिटरेसी इज विटल स्किल, इन्हेंस डिग्निटी, इम्प्रूव हेल्थ आउटकम एंड एम्पावर पीपल टू एसेस देयर राइट एंड ब्लॉस्टर अपॉर्चुनिटी, डिस्पाइट द चैलेंज टू बी हेल्थी एंड सक्सेसफुल नेशन इंडिया मस्ट इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नेग्लेक्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन इंडिया रीजन आर द बैकवर्डनेस, फोकस ऑफ द हेल्थ केयर इंक्रीजली गेटिंग स्क्रू टुवर्ड हैविंग आवर सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन वुड बी फिनिश स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, द इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन फॉर इंडिया, ग्लोबलाइजेशन इज इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन कल्चर, ग्लोबलाइजेशन अपॉन नेशनल वर्सेस नेशनलिज्म, ओके। इम्पैक्ट ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा कई चीज़ें आ सकती हैं, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज रिसिलेंस, ओके। इस तरीके ढेर चीज़ें हैं, तो काफ़ी कंटेंट सारे का पीडीएफ आपको हमारे प्ले स्टोर के प्ले स्टोर पर जाएंगे उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ से जा करके आप इस
कोर्स को ब्राउज करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड इज टू कम्बाइंड थ्री थिंग्स, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल जस्टिस एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। इनोवेशन इज द की डिटरमाइंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल अवेयरनेस। सोशल मीडिया इज इनहेरेंस अ सेल्फिश मीडिया। कोविड पेंडेमिक रिवील्स अ अर्जेंट नीड ऑफ द इफेक्टिव गवर्नेंस एवरीवेयर। पेंडेमिक सच अ कोविड थ्रू आउट द कास्टाफ्रोमिक एंड इंड मीन टू रिसेट द ह्यूमनिटी एंड इट्स प्रायोरिटी। द सोशल वेलफेयर इन इंडिया, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डे आवर डेली लाइफ। वैल्यू बेस्ड साइंस एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड साइंस एजुकेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पेनेसिया फॉर द ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। साइंस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रीडम ऑफ द ह्यूमैनिटीज। पॉवर्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय पुटिंग साइंस एट द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इनसेसरी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हजार्ड्स। इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम पास्ट एंड फ्यूचर, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी रिप्लेस मैन पावर, रिप्लेस मैन पावर्स। टेक्नोलॉजी इज द साइलेंट फैक्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो ढेर इसी तरीके के आप एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन में जाकर इस पीडीएफ को ब्राउज कर सकते हैं, वहाँ पर आपका टाइम की बचत होती है, बार बार वीडियो में पढ़ने से आपका समय खराब ना हो। ओके, फिर भी आगे अगर आप लिखना चाहते हैं वीडियो के थ्रू तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। इम्पैक्ट ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स इज टेक्नोलॉजी कर्स। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट इज टेक्नोलॉजी हेल्पिंग हैंडलिंग डेवलपमेंट। ओके, ये रिपीटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया एंड एनोमनस आर आउटकम्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। डिजिटल इकोनॉमिक्स अ लेवल ऑफ सोर्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इनोवेशन इज द की डिटरमिन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल अवेयरनेस। ये आपको दो इंपॉर्टेंट है जो आपको रिपीट किए गए हैं। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिजिकल टाइप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको दो तरीके से दिखाए। पहला लेवल, पहला आपको लेवल दिखा जो क्वेश्चन की प्रीव्यू को देखते हुए 17 इंपॉर्टेंट इसे बताए जो क्वेश्चन पेपर में आए थे, इसके आधार पे आपको 17 बताए जो यहाँ पे आपको लिस्ट सही दिखाया हमने आपको। 17 के बाद में लेवल टू लेवल के दिखाए जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक की जितने एसी कंटेस्ट होता है उसको ध्यान में रखते हुए टोटल यहाँ पर हम आपको 40 जो है कि एसी के बारे में यहाँ पर हमने आपको बता दिए। ठीक, अब और जानना चाहते हैं एसी कहाँ से आया है, तो इनसाइट ऑन इंडिया, इनसाइट्स ऑन इंडिया डॉट कॉम की आप जाएंगे तो वहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। अब बाइजू डॉट फ्री कॉम से भी आप दो साइट है वहाँ से आप ब्राउज करके चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो कंस्टेस्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से उसका भी आपको लिंक हम यहाँ पे दे दिए हैं। 21 में कौन सा टॉपिक था, ओके, अब 22 में कौन सा था, 21 में कौन सा था आपका, 20 में कौन सा है। ठीक, इस तरीके के ढेर सारे, 19 में कौन सा है, 17 में कौन सा है। ओके, तो इस तरीके ढेर सारे हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे जो कोर्स कंटेंट का जरूर लीजिए, आपको थोड़ा बहुत तो जरूर फायदा होगा आपके सेल्फ स्टडी के इम्प्रूवमेंट में। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, अच्छे नंबर लाएं, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद Applied Sciences Solutions and make your training and jobs dreams come true. Download the app now.